नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे कि मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम मशरूम से। ये फ्रेश मशरूम हमने परचेस किया था और इसको धोया गया ना, ये धो करके रेडी कर लिया गया है। बस इसको चॉप करना है और चॉप करने के बाद आगे का प्रोसेस को शुरू करना है। अभी जब तक ये चॉप नहीं हुआ है तब तक देखते हैं बाकी क्या प्रोसेस हुआ है। ये आलू को फ्राई किया जा रहा है, आलू फ्राई हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस भी इसको किया जाएगा। अभी कटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और साइज क्या रखा गया है देखते हैं। साइज कुछ इस तरीके का रहेगा। तो अभी से जल्दी जल्दी काट लेते हैं और काटने के बाद आगे का प्रोसेस दोबारा शुरू करेंगे। तो अभी कटिंग प्रोसेस है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मशरूम खाएंगे ठीक है। तुम्हारे चाचा ले आए और तुम्हारे चाचा बोले इसका सब्जी बनाओ। हम बोले हाय हाय। ये देखिए आलू फ्राई हो चुका है। आलू को पहले तेल से निकाल करके अलग किया जा रहा है। ये मशरूम काटने का भी काम पूरा हो चुका है, मशरूम भी कट हो चुका है। इधर प्याज काटा जा रहा है, आलू फ्राई होकर रेडी है। तेल जो है हल्के आंच पे गर्म हो चुका है। तो ये हमारा तेल अब हल्का हल्का हीट हो चुका था, अब हम इसमें फोरन देंगे। ये दिया गया करी पत्ता, ये दालचीनी, ये काली इलायची, तेज पत्ता। इसको हल्का सा रेड फ्राई होने देंगे। इससे क्या होता है कि टेस्ट और स्मेल दोनों ही आता है। हल्के आंच पे इसे फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और इसका जो स्मेल है और टेस्ट है वो मिले। अब इसमें थोड़ा प्याज कटा हुआ प्याज डालेंगे। क्वांटिटी हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी हम लोग इसमें देख सकते हैं कितना प्याज का। अब इसे हल्का हल्का फ्राई में देंगे। जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ हम कुछ मसाला है जिसको पीस कर डालेंगे, उसको हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ ये लहसुन लिया गया है, ये पूरा एक लहसुन का बड़ा साइज़ का था जिसको हमने छील कर ले लिया है। और इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 12-15, क्योंकि हम इसे थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं, इसमें 12-15 हरी मिर्च लेंगे, एक अदरक लेंगे, इस साइज़ का एक अदरक रहेगा। चॉप कर लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो। ये पीसने के लिए रेडी है। ये मसाले का पेस्ट रेडी हो गया है। और यहाँ हमने प्याज को जो फ्राई करने के लिए डाला था ये हल्का हल्का रेड हो चुका है, अब इसमें ये मसाला डाल देंगे। ये मसाला डाल दिया गया, अब इसे हल्का सा स्टर किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि मसाला हमारा जले ना। ज़रूरत के हिसाब से फ्लेम को थोड़ा सा हाई भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मसाला जलाना नहीं है। अच्छा, ये क्वांटिटी हमारा मशरूम का
और ये आलू का क्वांटिटी है। इसके हिसाब से हमने इस साइज़ के दो बड़े टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो दो की जगह तीन भी ले सकते हैं। अब इस टमाटर को हम मिक्सर में पीस कर इसका प्यूरी बनाएंगे और प्यूरी को डालेंगे। ये मसाला जो हम फ्राई कर रहे थे ये हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, ध्यान रहे ये जलने ना सके। ये टोमेटो का पूरा पेस्ट बन चुका है अच्छे तरीके से। अब इस टोमेटो के पेस्ट को हम बाकी जो मसाला फ्राई हो रहा था उसके साथ मिक्स करेंगे। और इसे सेम लो फ्लेम में ही हल्की आंच से अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चा पन है टोमेटो का वो खत्म हो जाए। इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे, ये हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा रेडिश कलर आने के लिए। हल्का सा गोल मिर्च पाउडर, इसमें हमने अभी डाला ये जीरा फोरन, सॉरी जीरा का पाउडर था, सॉरी। तो इसमें हमने डाला था हल्दी, नमक, हल्का सा कलर देने के लिए लाल मिर्च पाउडर, फिर काली मिर्च पाउडर, जीरा का पाउडर और ये हल्का सा चिकन मसाला। अभी हमने फ्लेम को बढ़ा दिया है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अभी पूरे मसाला को अच्छे तरीके से पका लेना है। थोड़ा गरम मसाला, सारे मसाले को इसका हल्का पकाना है। हर बार ये ध्यान रहे कि किसी भी मसाले को जलाना नहीं है। ये स्वाद अनुसार नमक, और ये थोड़ा पानी ऐड किया गया इसमें हल्का ग्रेवी करने के लिए। अभी थोड़ा पानी और लगेगा, सर्दियों का सीजन है इसलिए मुझे हल्का सर्दी हो रखा है। हाँ, अब इस ग्रेवी को हल्का सा गाढ़ा होने देंगे। अब इस ग्रेवी में हमने जो आलू पहले ही फ्राई कर रखा था उस आलू को डाल दिया और अब आता है बारी मशरूम का। अब इसमें मशरूम डालेंगे, अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी अच्छे तरीके से देखिए मिल चुका है। अभी थोड़ी देर के लिए इसे ढककर छोड़ेंगे फ्राई होने के लिए, लगभग आधा घंटा फ्लेम क्या यही रहेगा? नहीं, हम फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और इसे ढककर छोड़ देते हैं और आधे घंटे बाद इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं।
जैसा कि हमने बताया कि इसको मीडियम फ्लेम में ढककर रखेंगे ताकि जो ग्रेवी है और स्मेल जो है, ग्रेवी का टेस्ट जो है, मसाले का टेस्ट, वो मशरूम में अच्छे तरीके से आ जाए। और बीच बीच में इसे खोलकर हल्का चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। अभी फ़िलहाल ये ढका हुआ है, तो जब हमने इसे ढका था तब से अभी तक 10 मिनट क्रॉस हो चुका है। अब थोड़ा इसका लुक देखते हैं। अभी और कुछ देर ये पकेगा, तो फिलहाल इसे दोबारा ढक देते हैं। तो फिर 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। अभी देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। अभी जो ये हमारा मशरूम का सब्जी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने इसे कढ़ाई से निकाल कर दूसरे बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें हम लास्ट फिनिशिंग देंगे धनिया पत्ते का। मिक्स करना है? नहीं, ऐसे रहने। अब इसको दोबारा से ढक देंगे। हमारा ये मशरूम का सब्जी पूरी तरीके से खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो मेरे व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डिश के साथ। थैंक यू।